कल एक प्रकरण संज्ञान में आया जिसमें कि एक व्यक्ति है सोहन भारती, उसने ये सूचना दी कि वो और उसकी पत्नी अष्टभुजा पहाड़ी पे 11 तारीख को घूमने गए थे। वहाँ उसको बंधक बना के उसकी पत्नी के साथ कुछ लोगों ने गैंगरेप किया। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग वहाँ मौके पे पहुँचे और जो उसके द्वारा दी गई तहरीर थी उस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। विवेचना शुरू हुई और जो पूरा घटनाक्रम सामने आया वो इस प्रकार है कि सोहन भारती जो कि जिसने शिकायत की थी वो और जिस महिला के साथ उसने ये घटना होना बताया गया है और एक व्यक्ति नीरज, ये तीन लोग मोटरसाइकिल से 11 तारीख को घूमने गए थे अष्टभुजा पहाड़ी पे, जहाँ तीनों लोग साथ में बैठे हुए थे। लगभग 12:30 बजे दिन में चार लोग वहाँ पर आए, जिसमें कि दो लोगों का नाम इनको पता था, सूरज और शंभू, और दो अज्ञात व्यक्ति थे। वो लोग इनका वीडियो बना रहे थे। इस चीज़ को इन लोगों ने देख लिया। वीडियो बनाने के बाद जो दूसरा पक्ष है उसने इनसे पैसे की डिमांड की और इस तरह से गलत ढंग से वीडियो बनाने को लेकर और पैसा मांगने को लेकर दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई। उसके बाद जो सोहन भारती है उसने अपने एक रिश्तेदार प्रदीप भारती को इस चीज़ की सूचना दी और उसके बाद इसके रिश्तेदार प्रदीप भारती ने एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डाला कि जिसने भी इसको देखा है, इस व्यक्ति को, सूरज नाम का जो व्यक्ति है जो इसमें एक्यूज्ड बताया जा रहा है, उसको अगर किसी ने देखा है तो तत्काल इस नंबर पर सूचना दें। इसी वीडियो को देखकर एक व्यक्ति है रोहित त्रिपाठी, जिसने इनसे संपर्क किया प्रदीप से और उसके बाद इन लोगों ने आपस में बैठ के एक योजना बनाई और रोहित ने इनको समझाया कि अगर आप इस घटना को इस तरह का रूप देंगे कि आप और जो दूसरी महिला थी वो पति पत्नी हैं और इस तरह की गैंगरेप की घटना हुई है तो फिर तत्काल जो है पुलिस विपक्षी के विरुद्ध एक्शन लेगी। जांच में ये भी सामने आया है कि जो व्यक्ति है और जो महिला है पीड़िता जिसको बताया जा रहा है, ये दोनों आपस में पति पत्नी नहीं हैं। इनके बीच में कुछ समय से आपसी दोस्ती है और उस दोस्ती के क्रम में ही ये वहाँ पर गए थे। इसके अलावा ये जो इन लोगों ने आपस में प्रायोजित ढंग से वीडियो बनाया और फिर ये सोशल मीडिया पे वायरल करने का प्रयास किया ताकि ये प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आए और पुलिस इस पर कार्रवाई करे। तो ये कुल मिला जुला के इस तरह का प्रकरण निकला है कि ये तीनों आपस में दोस्त थे, सोहन भारती जो इसमें वादी है और नीरज और ये जो महिला है, इन लोगों को, इन जो चार लोगों ने इनको देखा, इनका वीडियो बनाया, इनसे पैसे की डिमांड की और उस क्रम में इनके बीच में झगड़ा हुआ और इसको एक इस ढंग से गैंगरेप का रूप में प्रेजेंट किया गया। हालांकि जो भी तहरीर इन लोगों ने दी तत्काल उस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना के क्रम में ये सारे तथ्य सामने आए हैं। आगे नियमानुसार विधिक कार्रवाई प्रचलित है।